कोरबा में शारदा विहार स्थित अटल आवास के एक मकान में कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव जारी। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। महिला ने किया बवाल। कोरबा में शारदा विहार स्थित अटल आवास के एक मकान में कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव जारी है। किराएदार के रूप में रह रही महिला लगातार मकान मालिक के ऊपर हमलावर बनी हुई है। मकान में कब्जा पाने के लिए महिला टीपी नगर स्थित मकान मालिक की दुकान पहुंच गई और बीच चौराहे पर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, उसने मारने के लिए महिला हाथों में पेचकस लेकर काफी दूर तक दौड़ाया। मामले की शिकायत सीएसबी पुलिस से की गई है। शारदा विहार स्थित अटल आवास के एक मकान में कब्जे को लेकर विवाद का दौर जारी है। मकान में किराए पर रह रही महिला उसे अपना बताते हुए मकान मालिक से लगातार उलझ रही है। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ, जहां महिला टीपी नगर स्थित मकान मालिक की दुकान जा पहुंची और वहां एक युवक से विवाद करने लगी। बीच चौराहे पर महिला ने जमकर हंगामा किया और हाथों में पेचकस लेकर युवक को मारने के लिए दौड़ने लगी। युवक ने अपने मोबाइल से महिला का वीडियो बना लिया। इसके बाद मामला पुलिस के पास जा पहुंचा। मकान में कब्जे को लेकर महिला का विवाद मकान मालिक से काफी पुराना है। महिला मकान खाली नहीं करना चाहती, जिसे लेकर महिला ने मणिकपुर चौकी में भी बवाल किया था। खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर उसने आत्मदाह का प्रयास भी किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जेल से बाहर आकर महिला फिर उसी तरह की हरकतें कर रही है। फिलहाल सीआईसीबी पुलिस मामले की जांच कर रही है।